our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. ट्रैवल एंड टूरिस्ट की सवारी आज पहुंच चुकी है एक ऐसे अनोखे मेले में जहां है अंडर वाटर फिश टनल और साथ ही डायनासोर पार्क भी है। और यही नहीं, इस मेले में है अमेजिंग सी शॉपिंग की बहुत सारी चीजें, टेस्टी टेस्टी फूड विद बहुत सारे झूले। तो फुल मस्ती फुल धमाल करने वाले हैं आज हम इस मेले में, और यकीन मानिए आपको भी मजा आएगा इस औसम से मेले को देख के। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये फिश कार्निवल जो नोएडा में फर्स्ट टाइम लगा है, और सारी डिटेल्स भी दूंगी मैं आपको आज इस वीडियो में। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते आते हैं ऐसे ही ऑसम वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गेट स्टार्ट। तो शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि क्या वाकई में ये मेला इतना अच्छा है या नहीं। तो अगर बात करें एंट्री टिकट की, तो मेले का टिकट तो है सिर्फ 30 रुपीज, 3 साल से ऊपर बच्चों का भी पूरा टिकट लगता है। तो लीजिए अब हम आ गए मेले के अंदर। मगर हाँ गाइस, जो फिश कार्निवल अंदर लगा है इसका सेपरेट टिकट है, जो मेले के अंदर आके आप टिकट ले सकते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं उसी टिकट के लिए है। तो उसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज, और यहाँ पे भी 3 साल से ऊपर बच्चे का पूरा टिकट लग रहा है, यानी कि 100 रुपीज। और अंदर घुसते ही हमें दिखी ये लंबी सी गैलरी, जहाँ पे दोनों तरफ बड़े बड़े से एक्वेरियम्स लगे हुए थे, जिसके अंदर थी अद्भुत सी बहुत ही डिफरेंट टाइप की ढेर सारी फिशेस। ऐसा लग रहा था मानो मछलियों के कुंभ मेले में आ गए हैं। गाइस, हम सैटरडे को यहाँ पे आए थे और आप देख सकते हैं कितना रश था। और सिर्फ फिशेज ही नहीं, यहाँ पे टॉर्टोइज भी थे। एंड फाइनली आ गया अंडर वाटर फिश टनल। अरे बट ये क्या, जैसे कि हमें दिखाया गया था ऊपर तो पानी है ही नहीं, सिर्फ साइड साइड में फिश हैं। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं था, बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल था। तो देखिए इस तरह से फिश टनल बना हुआ था, बट अगर ये ऊपर भी पानी थोड़ा भर देते, ऊपर भी फिशेस आती, तो और देखने में मज़ा आता, क्योंकि जैसे सोचा था सबने वैसा तो नहीं था, एक्सपेक्टेशंस तो मीट नहीं हुई। बट ठीक है, आप एक बार बच्चों को दिखा सकते हैं ये ले जाके, डिफरेंट टाइप्स की फिश देख के बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा, और साथ में हम बड़ों को भी। ये जो टनल है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, पीछे एक टनल था, फिर बीच में एक पैसेज आ गया था जहाँ पे नीचे फिश थी, उसके बाद ही अगेन ये वाला टनल था। उफ, तो फाइनली हम आ गए थे टनल से बाहर। आई टेल यू गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है और भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी ना अंदर, कि थोड़ा सफोकेशन हो रहा था और गर्मी भी लग रही थी।
मेले में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की शॉप्स भी लगी हुई थी, जहाँ पर सामान मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सस्ता था और यानी कि बहुत महंगा भी नहीं था, बट जैसे आपको मार्केट रेट में मिलता है उसी रेट में यहाँ पे आपको सामान मिल रहा था। हाँ, बट जो ये वाली शॉप थी ना, यहाँ पे 10 रुपये में, यस 10 रुपये में बहुत बहुत सारा सामान था। कैमल राइड भी थी इस मेले में एंड ढेर सारे झूले भी, जिसका ऑन एवरेज प्राइस था 70 या 80 रुपीज। और भाई इसको देख के मुझसे तो रुका नहीं गया और मैंने भी उठा ली गन। हाँ, बट दूसरी है कि एक भी शॉट नहीं लगा। चलिए अब चलते हैं इस मेले के दूसरे अट्रैक्शन में, जो था डायनासोर पार्क एंड किंग कॉन्ग पार्क, जो उन्होंने बाहर मेंशन किया हुआ था। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए, तो भाई हमने भी टिकट ले ली और अपनी बेटी के साथ मैं चली गई अंदर। तो बहुत 70 रुपीज का इसका टिकट था और अंदर जाने के बाद तो बस मुझे ये 4 डायनासोर ही दिखे जो स्टिल वहाँ खड़े हुए थे या थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे थे। हाँ, बट ये चीज़ थी जो इसने थोड़ा बहुत पैसा वसूल करने में हेल्प करी। एक बंदे ने डायनासोर की ड्रेस पहन के असली डायनासोर का रूप दिया लिया हुआ था, जो सारे लोगों को डरा रहा था अपनी पूछ हिला हिला के और उन पे अटैक करने के नाटक करके। और ईका, ये तो पीके भैया लग रहे हैं यार। अरे 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 अरे, बेचारे पीके को क्यों फेंक रहे हो डायनासोर के आगे। और ये हो गया इनका काम तमाम। बट हाँ, जो इन्होंने किंग कॉन्ग पार्क लिखा हुआ था, यहाँ तो नामो निशान नहीं था किंग कॉन्ग का, और डायनासोर पार्क भी बस ठीक ही था। तो अगर आप यहाँ पे आए तो अवॉइड कीजिएगा अंदर आना, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, आई टेल यू। अब लगाई थी जोरदार भूख, तो हमने सोचा कि यहाँ का फूड ट्राई किया जाए। बट हे भगवान, हमने यहाँ पे कुल्फी, भेलपूरी और पाव भाजी ट्राई करी, जो इतनी बकवास थी। आई टेल यू, अगर आना है तो यहाँ घूमने आइए, बट बाहर जाके ही खाइएगा, यहाँ पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। तो लीजिए, मेला हो गया खत्म और हम चल पड़े बाहर की तरफ। ये था नोएडा का फिश कार्निवल मेला, बहुत ही औसम और मस्त था, सबने बहुत एंजॉय किया। आप भी यहाँ जरूर आइएगा, 28 अप्रैल तक लगा हुआ है ये मेला, यहाँ आइए, बच्चों को लेके आइए, बच्चे तो पागल हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए, अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीक ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके। और हाँ, जाने से पहले, आज मजा आया है ना वीडियो में, तो पक्के से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि ऐसा ना हो आपसे कोई बढ़िया सा वीडियो मिस हो जाए। तो चलिए, अब आप अपना ख्याल रखिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीक बढ़िया सा कंटेंट लेके, तब तक टेक केयर, बाय बाय।